चलिए कुछ निमोनिक्स याद कर लेते हैं, जैसे कि कोई अगर पेडियाट्रिक पेशेंट है उसमें अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन नेफ्राइटिक आइटिक वाला कौन सा होगा, तो PSGN अभी एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा देर में, और ओतिक वाला में कौन सा होगा, तो MCD। ये तो अभी बता दी थी, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। अगर कभी कोई क्वेश्चन में आया कि फाइब्रिन डिपोजिशन हो रहा है, फाइब्रिन डिपोजिशन हो रहा है, तो ये मेनली किस डिजीज में देखा जाता है, तो ये क्रीसेंट्रिक डिजीज में देखा जाता है। किस में? तो क्रीसेंट्रिक, ये इसका एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है। अगर MCD का स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक हो तो इसमें एल्बुमिन क्या होंगे, लीक करेंगे, ठीक है, क्या होंगे, एल्बुमिन लीक करेंगे, और दूसरा स्टेरॉयड से ट्रीटमेंट वाले को होता है, ठीक है। उसके बाद एक डिजीज है जिसका नाम है CANCA, ANCA, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली न्यूट्रोफिल एंजाइम से रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो तो उसमें मेनली आपको हायलिन डिपोजिशन मिलेगा, क्या, हायलिन डिपोजिशन। क्रिसेंट में क्या था, फाइब्रिन, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या है, HD में हम मूवी देखते हैं ना, तो H से हो जाएगा क्या, ये तो हायलिन, आदि से डायबिटीज या हाइपरटेंशन, ठीक है। और फाइब्रिन ये सब के लिए कैसे याद कर सकते हैं, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, फाइब्रिन वाला कैसे याद रख सकते हैं, तो फूल कौन है, ठीक है, कौन का सी भी लिख सकते हैं, तो फूल कौन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पर भी आ जाएगा C1Q से रिलेशन, तो वो हो जाएगा सिस्टमेटिक लुपस इराइथेमस। IGE से होगा तो किडनी डिजीज विथ मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब चलिए डिस्कशन करते हैं PSGN के बारे में, क्या PSGN के बारे में। अब एक केस है, पहले इसके बारे में देखिए, एक केस है जिसमें 18 साल की फीमेल है। अब ये 18 साल की फीमेल है, इसको क्या है, कोई भी नॉन कॉर्मोडिटीज नहीं है, इसमें टॉन्सिलाइटिस हुआ है, टॉन्सिलाइटिस तो टॉन्सिल से ले लेते प्रॉब्लम हुआ है, एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट हुआ, जब एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट हुआ तो बाद में पता चला इसको ग्रॉस हेमेटूरिया है और ओलिगो यूरिया है, ठीक है। इनमें बाइपेडल इडिमा भी देखने को मिला, यहाँ पर क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर भी देखने को मिला, उसके बाद इसमें वेसिकुलर ब्रेथ साउंड है, तो ये कौन सा डिजीज होगा। सबसे पहले इसमें देखिए क्या त्रायाद में क्या है, हेमेटूरिया है, ओलिगो यूरिया है, ठीक है। तो हेमेटूरिया किस में मेनली देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेशन में कौन सा आता है, नेफ्राइटिक डिजीज, तो ये आ जाएगा केस जो है वो नेफ्राइटिक किडनी डिजीज का है, ठीक है। तो देखिए केस में क्या क्या है, तो ब्लड है, प्रोटीन है, RBC कास्ट है और डिसमॉर्फिक सेल है, तो अगर डिक्रीज हो जाएगा GFR जिसके कारण हाइपरटेंशन हो जाता है, रास का एक्टिवेट हो जाने के कारण, इडीमा है, ओलिगूरिया है, नॉन नेफ्रोटिक रेंज ऑफ प्रोटीनूरिया है, तो ये कौन सा सिंड्रोम होगा, ये होगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम में मिली आपको इस तरह से डिसमॉर्फिक देखेंगे ब्लड वेसल, जिसको एकेंथोसाइट कहते हैं, ठीक है, इस तरह का डिसमॉर्फिक RBC देखने को मिलेगा, RBC डिसमॉर्फिक जब एक जगह इकट्ठा होगा तो RBC कास्ट दिखेंगे, ये यूरिन सेडिमेंटेशन में देखने को मिलेगा। तो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में प्रोटीनूरिया होगा 3 से कम, हेमेटूरिया, RBC कास्ट, पाइयूरिया, हाइपरटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन और राइजिंग सीरम क्रिएटिनिन देखने को मिलेगा। तो इसका कोड कैसे याद किए थे, एक आदमी आया है आइटिक है ना, इन्फ्लामेशन हो गया तो उसमें हाइपरटेंशन हो गया तो उसको सही करने के लिए लोग कोला पिलाने के लिए आ रहे थे, तो कोला से क्या हो जाएगा, कोला कलर का यूरिन होता है, हाइपरटेंशन, कोलर कलर कैसे होगा जब हेमेटूरिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया था, तो जब एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात करें तो
तो इतना डिजीज आता है। कौन कौन सा? पोस्टर स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, उसका लुपस नेफ्राइटिस, एंटी ग्लोमुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, आईजीए नेफ्रोपैथी, अनका स्मॉल वेसल वैस्कुलराइटिस, इसमें ये तीनों आते हैं। फिर हेनॉक स्कोलेन पुरपुरा, क्रायोग्लोबिनेरिया, ये मेम्ब्रेनो प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिसेंगियो प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें आपको ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? ये जो डिजीज है ना, इसमें वैस्कुलर से रिलेशन है, मतलब कि यहाँ से अनका स्मॉल वैस्कुलरिटिस से लेके कहाँ तक, आपका ये क्रायोग्लोबिनेरिया तक, सॉरी हेनॉक तक क्या होंगे, मेनली वैस्कुलर इंजरी मिलेगा। तो मिलेगा मतलब कि अनका के अंदर ये तीनों आता है और ये हेनॉक, इतने में वैस्कुलरिटिस इंजरी के कारण मेनली हमारा नेफ्राइटिस होता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम में देखे क्या हो रहा है, तो आपका हेमेटूरिया तो जितना ज़्यादा प्लस उतना ज़्यादा वो निकल रहा है, जितना कम प्लस उतना कम वो निकल रहा है। इसमें देखिए क्या है, प्लस वन है, मतलब इसमें कि प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में यूरिन निकल रहे हैं, निगेटिव है, मतलब कि निकले वैस्कुलर इंजरी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इस तरह का केस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पोस्ट स्ट्रेप्टो कोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें है ना कि मान लीजिए केस बताते हैं, एक चाइल्ड है, चाइल्ड याद रखिएगा, एक चाइल्ड है जिसको क्या हुआ है, वो आया है, उसकी माँ बोल रही है कि इसको बहुत दिन से फीवर था, इसका यूरिन भी डार्क हो गया है, और उसका साथ क्या हो, उसको हाइपरटेंशन भी है, आई के पास स्वेलिंग है, तो फेशियल स्वेलिंग भी कह सकते हैं, या पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग है। उसके बाद क्या हो रहा है, तो इसको कुछ दिन पहले सोर थ्रोट हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये यूरिन में हेमेटूरिया देखने को मिल रहा है। तो कौन सा डिजीज आप इसको समझेगा, ये हो जाएगा आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि चाइल्ड में मेनली दो डिजीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक होता है आयतिक वाला और एक होता है ओतिक वाला। तो जो आयतिक वाला होता है ना, वो होता है PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये मेनली पेडियाट्रिक एज में देखने को मिलता है। और जो ओतिक वाला होता है वो होगा मिनिमल चेंज डिजीज, ठीक है, मिनिमल चेंज डिजीज। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहे, तो आप पूछिएगा ये जो हेमेटूरिया हो रहा है ये पेनलेस है या पेनफुल है। अगर पेनलेस हेमेटूरिया है, पेन लेस हेमेटूरिया है, तो पहले आपको दो चीज़ को रूल आउट करना पड़ेगा। एक होता है रीनल सेल कार्सिनोमा को रूल आउट करना पड़ेगा, और दूसरा ब्लैडर कार्सिनोमा को रूल आउट करना पड़ेगा। तो रूल आउट कैसे कर सकते हैं, तो अभी इसको सोर थ्रोट हुआ था, उसके बाद कुछ दिन के बाद ये ब्लीडिंग आ रहा है, तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैडर कार्सिनोमा है और ये रीनल सेल कार्सिनोमा है, ये तो मेनली एक तो ये दल्त में देखा जाता है, ऊपर से इसको आने में टाइम लगता है, ठीक है। PSGN ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो पेडियाट्रिक्स एज में देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो पेशेंट आएंगे उनको फीवर होगा, ये मलेरिया होगा, डार्क यूरिन, डार्क या रस्टी कलर्ड यूरिन होंगे, एज क्या होंगे, तो बच्चा होगा, 95% ये चाइल्ड में होता है, हाइपरटेंशन होंगे, फेशियल स्वेलिंग पफ ऐसा लगेगा कुछ भरा हुआ है फेस में, पेरीऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा, उसके बाद बन बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब कि ब्लड में यूरिन बढ़े रहेंगे, क्रिएटिन बढ़ा रहेगा, ठीक है। RBC कास्ट देखेंगे, प्रोटीन लॉस होगा लेकिन कम होगा, ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और सोर थ्रोट होंगे, मेल सोर थ्रोट से ही तो नाम आया है स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इसका मीडियन एज पूछे कितना में होता है, तो ये मेनली 2 से 14 साल के बीच में होता है, ये सेकेंडरी होता है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल
इन्फेक्शन जो स्किन में भी होता है और ये थ्रोट में भी होता है, तो इसका ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, इसमें मेनली एंटी डीएनए बीटा टीटर एलिवेटेड होंगे। कौन सा? तो एंटी डीएनएज बी टाइटर क्या होंगे? एलिवेटेड होंगे। सीरम सी थ्री लेवल मेनली लो होगा और ये नॉर्मल हो जाएंगे 6 से 8 वीक में। अगर हेमेटूरिया चाइल्ड में दिखे और उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 1 से 2 दिन के बाद आ जाए तो इसको आईजीए नेप्रोपैथी या बर्गल डिजीज होंगे, और अगर 1 से 2 वीक के बाद आएगा तो पीएसजीएन डिजीज होता है। ठीक है, तो आईजीए नेप्रोपैथी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ये मिली होता क्यों है? तो IgA1 के डिपोजिशन के कारण होता है। इसका सेकेंडरी कॉज लीवर है। उसके बाद जब IF करेंगे तो उसमें IgA का डिपोजिशन दिखेगा। ये नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों होता है। ज़्यादा ये RPGN में देखा जाता है। इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है ना हमारा ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसको हम दूसरे नाम में एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, कहीं पे पीएसजीएन लिखा रहेगा, कहीं पे आईएपीजीएन लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये मेनली 1 से 4 वीक के बाद होता है अगर आपको स्किन या ये फेरिंजल इन्फेक्शन हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। और उसका कौन सा स्ट्रेन? तो 12, 4 और 1 स्ट्रेन यूजुअली चिल्ड्रेन में होते हैं। इसमें इसमें एक्टिवेशन होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, जिसके कारण कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मेनली इसमें लो हो जाते हैं। एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें कौन सा एंटीजन के कारण होता है? तो इंडोस्ट्रेप्टोक्सिन के कारण मेनली देखने को मिलता है, नेफ्राइटिस स्ट्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन या NSAP के कारण। ठीक है, अगर इसका क्लिनिकल फीचर की बात करो तो बच्चे मलेस, फीवर, नौसिया, ओलिगो यूरिया, हेमेटोयूरिया के कारण आएंगे। ठीक है, उनका जो यूरिन होगा वो स्मोकी या कोका कलर का होगा। पेरी और वाइटल इडीमा देखेंगे। माइल्ड या मॉडरेट हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि चाइल्ड में हाइपरटेंशन के चांसेस कम आते हैं। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में क्या देखने को मिलेगा? तो हाइपरसेरुलिटी देखने को मिलेगा। तो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में अलग अलग फाइंडिंग होता है, चलिए देखते हैं। मेनली 3 तरह का फाइंडिंग हम करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, एक करते हैं IF इम्यूनोफ्लोरोसेंस के द्वारा, और एक LM के द्वारा। ठीक है, तो जो LM में दिखता है उसमें सबसे पहले क्या दिखेगा? लाइट माइक्रोस्कोप हाइपरसेरुलरिटी दिखेगा। क्या? हाइपरसेरुलरिटी दिखेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? सब इंडोथेलियल में इम्यून कॉम्प्लेक्स सिस्टम का डिपोजिशन होता है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन कहाँ पे होता है? तो सब इपिथीलियम में। ठीक है, जिसके कारण एंटीबॉडी डिपोजिट होते हैं। तो ये सब देखा जाता है मेनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये है आइए फिदर साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप में? तो हम ये इनलार्ज ग्लोमुलर्स देखते हैं। तो ये दिखता कैसे है? तो लंपी बम्पी अपेयरेंस होता है लाइट माइक्रोस्कोप पे। तो लाइट माइक्रोस्कोप में 2 चीज़ देखे, एक तो हाइपरसेरुलरिटी हो रहा है न्यूट्रोफिल के
इनफिल्ट्रेशन के कारण, और दूसरा ग्लोमरुलस इनलार्ज हो रहा है जिसके कारण लंपी बम्पी अपियरेंस हुआ। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्प का सब इपिथेलियम में डिपोजिशन देखेंगे, ठीक है, किसमें, सब इपिथेलियम, ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी का डिपोजिशन होगा। इम्यूनोफ्लोरोसेंस में क्या होंगे, ग्रैनुलर डिपोजिशन होता है IgG का, IgM का और C3 का, मेनली C3 इसमें आपको लो दिखेगा। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन देखेंगे और DNA देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग के बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम कहते हैं स्टारी स्काई अपियरेंस, ठीक है। तो अगर इसका माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग की बात करें तो हाइपर सेरोलिटी दिखेगा, क्यों, क्योंकि लीकोसाइट का इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, इंडोथेलियम में प्रोफोरेशन हो रहा है और मेसेंगियल सेल में प्रोलिफरेशन हो रहा है। इम्यूनोफ्लोरोसेंस में हम मेनली IgG, IgM और C3 का डिपोजिशन देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम बेसमेंट मेम्ब्रेन में स्टारी स्काई अपियरेंस देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो ये मेनली एलिवेट हो लेवल होते हैं इसमें एंटी ट्रिप्सोलाइसिन ओ, जिसको हम ASO शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, और DNA एंटीबॉडीज का, जो इंडिकेट करता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को। इसमें जो C3 होते हैं ना, उसका लेवल कम देखने को मिलता है, क्योंकि C3 तो डिपोजिट हो जाता है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो हम मैनेजमेंट में मेनली डायरेटिक देंगे, डायरेटिक से रिलीफ होता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है, फ्लूइड का रिटेंशन किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर फिर से बात करें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, तो ये पेडियाट्रिक एज में देखा जाता है, किसी को अगर स्किन इन्फेक्शन या सोल थ्रोट हुआ है तो होगा। इसमें मेनली डिफ्यूज ग्लोमुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि WBC का इन्फिल्ट्रेशन होता है। क्लिनिकल फीचर्स बता दिए। डायग्नोसिस में हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें यूरिन का कलर अल्टर आता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट में हम DNA एंटीबॉडी देखेंगे, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी देखेंगे, और C3 कम रहेगा। रीनल बायोप्सी इसका क्या कन्फर्मेटरी टेस्ट है, तो याद रखिएगा कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, इसमें रीनल बायोप्सी। इम्यून कॉम्प्लेक्स मेनली कहाँ पे डिपोजिट होता है, तो सब इंडोथेलियम, सब इंट्रा मेम्ब्रेनस और सब इपिथेलियम हम्स में। तो याद रखिएगा सब इपिथेलियम मोस्ट कॉमन है, स्टेरी स्काई अपियरेंस होंगे, ठीक है। इसमें जो होता है ना, फ्लिया विथिन किडनी दिखेगा, कैसे, यह स्पेसिफिक नहीं है लेकिन याद रखिएगा फ्लिया विथिन किडनी दिखेगा। तो ये किस में दिखता है, तो PSGN में, वैस्कुलाइटिस में, IE में, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में और ल्यूकेमिया में, ठीक है। ट्रीटमेंट में तो मोस्टली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, और सिम्टोमेटिक में फिर हम सिस्टम के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। मेनली अगर देखिए, अगर ये तो हो गया फोकल का, अगर डिफ्यूज रहा तो डिफ्यूज रहेगा, तो अगर इन्फेक्शन के बाद हुआ तो PSGN, और अगर नॉन इन्फेक्शियस रहा तो SLE देखने को मिलेगा, क्या, SLE, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम एक्यूट इंडोकैपिलरी प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है। ये मेनली अंडर डेवलप्ड कंट्री में 2-14 साल के एज के बच्चों में देखा जाता है, डेवलप्ड कंट्री में मेनली एल्डर में देखा जाता है, मेल में ज़्यादा कॉमन है। इसमें फेमिलियर और कोहरेंट भी इंसिडेंट हो सकता है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन में एक्यूट नेफ्राइटिक पिक्चर है, ठीक है। इसमें सिस्टमेटिक सिम्टम में हेडेक, मलेस, मनोरेक्सिया, फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये एल्डर पीपल में लेस चांसेस होते हैं। रीजनल बायोप्सी में हाइपरसेरोलिटी दिखता है, ठीक है। उसके बाद ये सब इंडोथेलियल इम्यून डिपोजिशन दिखेगा, IgG, IgM, C3, C4, C5 से 9 तक। सब इपिथीलियम डिपोजिट कैसा होता है, तो हम्प्स की तरह डिपोजिट होता है, ठीक है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर के बारे में डील करते हैं, तो यही दिख रहा है हाइपरसेलुलरिटी, नैरो कैपिलरी ल्यूमेन दिख रहा है, ये जो इपिथेलियल सेल डिपोजिट हो रहे हैं IgG और C3 का, तो इस तरह का पिक्चर इसमें दिखता है। स्किन और थ्रोट इन्फेक्शन के बाद मेनली देखने को मिलता है। ये एम टाइप 47, 49, 55, 260, 57 के कारण अगर होगा तो उसमें इम्पिटिगो देखने को मिलेगा, और ये मेनली स्किन इन्फेक्शन के 2 से 6 वीक के बाद होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर इम्पिटिगो है तो कौन सा एम टाइप चाहिए, 47, 49, 55, 260 और 57। अगर किसी को फरिंजाइटिस होया हुआ है, मतलब कि ये किसके लिए, स्किन इन्फेक्शन के लिए इतने सारे टाइप हैं, और किसी को अगर फेरिंजाइटिस होया हुआ है तो उसमें एम टाइप 1, 2, 4, 3, 25, 49 और 12 लगते हैं सेरोटाइप, और वो मेनली स्ट्रेप्टोफेरिंजाइटिस के 1 से 3 वीक के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें एएसओ तीतर बढ़े हुए रहते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में कहने का क्या मतलब है, हाइपरटेंशन सही करते हैं, इडीमा करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, एंटीबायोटिक देखते हैं देते हैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। इसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। परमानेंट रीनल फेलियर अनकॉमन भी होता है। चिल्ड्रन में इसका प्रोग्नोसिस क्या है, वर्स है, मेली 60% एजोथेमिया के साथ देखने को मिलता है। ये सर्दी और नेफ्रोटिक रेंज ये प्रोटीनूरिया के साथ देखा जाता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मिनिमल चेंजेस डिजीज। ये मेनली नेफ्रोटिक में पढ़ने को मिलता है। अभी आपको बताए थे चाइल्ड में 2 तरह का डिजीज होता है, एक तो नेफ्रिटिक और एक नेफ्रोटिक। तो नेफ्रिटिक में हमने PSGN पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेफ्रोटिक में हम लोग मिनिमल चेंज डिजीज पढ़ रहे हैं। तो मिनिमल चेंज डिजीज, इसका अगर कोई दूसरा नाम पूछे तो वो होता है नील डिजीज या नील लेसन। ये मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है चिल्ड्रेन में। इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, इफरेंट आ रहा है, बीच में कैपिलरी है और ये इफरेंट जा रहा है, अफरेंट आ रहा है और इफरेंट जा रहा है, बीच में यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का ये पोडोसाइट होता है, किस तरह का, इस तरह का इस विसरल एपिथेलियम यहाँ पे होता है, और इसमें फूड प्रोसेस होते हैं। ये जो फूड प्रोसेस है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और इस तरह का लगेगा कि जैसे कि सब एक ही हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ग्लोमरल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जिसके कारण सेलेक्टिव जो हमारा एल्बुमिन है वो क्रॉस कर जाता है, ठीक है, और यूरिन में एल्बुमिन देखने को मिलता है। इसी को हम कहते हैं मिनिमल चेंज डिजीज, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मिनिमल चेंज डिजीज में क्या आएंगे, तो इसमें नेफ्रोटिक सिम्टम तो आएंगे ही। तो नेफ्रोटिक सिम्टम होते क्या क्या हैं, तो नेफ्रोटिक टर्म से ही नेफ्रोटिक सिम्टम आते, जैसे कि NEPHROTIC। एन से इसमें सोडियम डिक्रीज करेगा, जिसको हाइपोनेत्रीमिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ए से होता है नेफ्रोटिक, ए से होता है एल्बुमिन डिक्रीज करेगा, पी से होता है, ठीक है, पी से होता है क्या, तो पी से मेनली प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा, एच से हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा, आर से रीनल वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, ओ से ऑर्बिटल इडीमा देखने को मिलेगा, टी से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, आई से इन्फेक्शन और सी से कोगुलोपैथी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेफ्रोटिक में समझ गए कि क्या क्या होता है। तो नेफ्रोटिक का क्राइटेरिया क्या होता है, तो नेफ्रोटिक का क्राइटेरिया होगा कि मासिक प्रोटीनूरिया होना चाहिए, हाइपोएल्बुमिनेमिया, ब्लड में एल्बुमिन कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, तो 2.5 से कम होना चाहिए, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड ज़्यादा होना चाहिए, 5.7 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और इडीमा दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हमारा मिनिमल चेंज डिजीज है ना, इसमें इसका एपिडर्मिलोजी क्या होगा, तो इसमें मेनली
70 से 90% ये चाइल्डहुड में देखने को मिलता है और सिर्फ 10 से 15% एडल्ट में देखने को मिलता है। इसका अगर कोई इतियोलॉजी पूछे तो आइडियोपैथिक है, मतलब कि अननोन है, बट कभी कभी पेरी हिलार फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण होता है, जो अभी आगे जाके पढ़ेंगे क्या क्या के कारण होता है। तो FSGN के कारण होता है, ठीक है। इसका में क्या होता है, जो पोडोसाइट का फूड प्रोसेस होता है वो डैमेज हो जाता है। और इस डैमेज क्यों होता है, तो मेनली क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी इसी कारण, ठीक है। तो इसका प्राइमरी कॉज एडियोपैथिक है, कारण अननोन है। सेकेंडरी कॉज हॉर्डिक डिजीज, एलर्जी और एंसिड एजेंट के कारण होता है। तो ये याद रखिएगा, कोई अगर इंसान क्या कर रहा है, एंसिड ले रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा डिजीज होगा, तो मिनिमल चेन डिजीज होगा, ठीक है। मेनली जो इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस है ना, वो भी एसोसिएटेड होता है एंसिड के यूज से। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये जो मिनिमल चेंज है, ये इसमें एकाएक इडिमा आता है, मतलब एकाएक पैर हाथ फूलने लगता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम दिखने लगते हैं, जैसे कि हाइपोएल्बुमिनेमिया, उसके बाद एसेरुलर यूरिनरी सेडिमेंट। लेस कॉमन क्या होता है, तो ये याद रखिए, नेफ्रोटिक है तो इसमें हाइपरटेंशन ये सब नहीं देखने को मिलेगा, हेमेटूरिया कम देखने को मिलेगा, एलर्जिक सिम्टम और रीनल फंक्शन डिक्रीज लेस कॉमन होंगे, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी अनसर्टेन होगा, लेकिन साइटोकाइनिन रिलेटेड इम्यून इंजरी देखने को मिलता है, जिसके कारण कैपिलरी का जो चार्ज है और पोडोसाइट है वो चेंज हो जाएगा। एलर्जीज होते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में चेंजेज होते हैं वायरल इन्फेक्शन के कारण। इसमें एस्टेरॉयड से भी रेजिस्टेंस हो सकता है। अब इसका जब पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है, उससे पहले याद रखिएगा, इसमें होता क्या है, इफासमेंट ऑफ फूड प्रोसेस और पोडोसाइट, मतलब थीन हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन नहीं होता है, अगर हम इनफ्लोरोसेंस से देखेंगे तो, ठीक है। ये मेनली होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। इसमें हल्ला HLA हैप्लोटाइप होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में नॉर्मल ग्लोमलाई दिखेगा लाइट माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इफासमेंट ऑफ फूड प्रोसेस देखेगा, पतला हो जाएगा, जिसके कारण जो स्लिट पोर्स मेम्ब्रेन होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लोरोसेंस में कोई भी कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन नहीं होगा, अगर होगा भी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ IgM का होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगर इसका पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी तो मेनली अननोन होते हैं, तो फिर हम पैथोफिजियोलॉजी में क्या करेंगे, मान लीजिए कोई अननोन स्टिमुलाई है जिसके कारण लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हो गया है, और ये क्या करता है ना, रिलीज करता है सीरम फैक्टर को, जो डैमेज करता है फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट को, जिसके कारण क्या होता है, इफासमेंट हो जाता है फूड प्रोसेस का, और जिसके कारण प्रोटीन लीकेज होता है, और इसी कारण इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इफेसमेंट दिखता है, उसको माना जाता है कि जो पौधो ये फूड साइट होता है ना पौधोसाइट का, वो एक दूसरे से फ्यूज कर गया है, ठीक है। इसका ट्यूबुलर इपिथिलियम सेल एक्यूमुलेशन दिखने को मिलता है लिपिड का, इसलिए इस बीमारी को हम एक और कहते हैं क्या, तो लिपोइड नेफ्रोसिस भी इसको कहते हैं। तो इसका तीन नाम हो गया, एक तो मिनिमल चेंज, एक तो नील डिजीज, और दूसरा तीसरा लिपोइड नेफ्रोसिस, ठीक है। एसोसिएटेड होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, इम्यूनाइजेशन से, ट्यूमर ऑफ हॉर्डिक लिम्फोमा, एनसीड, कोई सांप ये सब काट लिया है तो, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नेफ्रोटिक डिजीज है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, और इसमें सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, वो है एल्बुमिन। अगर इसमें जेनेटिक डिफेक्ट की बात करें, तो जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट होता है कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में,
वो होता है नेफ्रिन जीन का, NPHS1 जीन का, ठीक है। मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट अगर आइडियोपैथिक स्टेरॉयड रेजिस्टेंस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखें तो वो होता है NPHS2 का, जिसको हम पोडोसिन कहते हैं। अब जो इसका इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है कुछ उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि ये डिफिनेशन आगे जाके बहुत काम आने वाला है। जो पहला डिफिनेशन है उसको कहते हैं रिलैप्स। रिलैप्स में क्या होता है ना, ये 3 कंजुगेटिव डेज के लिए सही हो जाता है, फिर से ये दोबारा आ जाता है। दूसरा जो ये है उसको कहते हैं FRNS, फ्रीक्वेंसी रिलैप्सिंग ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें 2 बार रिलैप्स होता है 6 मंथ में, या 4 या 4 से 12 बार रिलैप्स होता है 12 मंथ में, ठीक है। एक होता है SDNS, स्टेरॉयड डिपेंडेंट NS। इसमें क्या होगा, 2 कंजुगेटिव रिलैप्स होगा जब हम स्टेरॉयड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं 14 दिन में, जब स्टॉप कर देते हैं ना स्टेरॉयड। उसके बाद SARNS, स्टेरॉयड रेजिस्टेंस NS, मतलब दोबारा अस्तात होगा अगर हम सिर्फ स्टेरॉयड यूज करें 8 वीक के लिए तो। एब्सेंस ऑफ रीएमेशन डिस्पाइट ओनली यूज स्टेरॉयड फॉर 8 वीक, मतलब इसमें जो दोबारा आता है ना वो एब्सेंट हो जाएगा अगर हम सिर्फ 8 वीक के लिए इसको यूज करें तो। तो ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, मेनली जो जिसको ये फर्स्ट एपिसोड आता है उसमें पहले रूल आउट करते हैं कि हेमेटूरिया, एजोथेमिया या हाइपरटेंशन तो नहीं है। उसके बाद हम प्रिडनिसोन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, प्रिडनिसोन। इसका ड्रग ऑफ चॉइस में प्रिडनिसोलोन है, ठीक है। इनफ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे पहले पहला ट्रीटमेंट क्या होता है कि ये रिलैप्स आता है, तो इसमें प्रिडनिसोलोन ही देते हैं। फ्रीक्वेंसी रिलैप्सिंग स्टेरॉयडल डिपेंडेंट NS में हम क्या करते हैं, स्टेरॉयड का थ्रेशोल्ड देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं लो डोज ऑफ प्रिडनिसोलोन, ठीक है। उसके बाद स्टेरॉयड रेजिस्टेंस में हम क्या करेंगे, तो स्टेरॉयड खाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम फिर कैल्किन्यूरिन इनहिबिटर देंगे, साइक्लोस्पोरिन। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोगुलेशन और थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये पिक्चर दिखा रहा है जिसमें ये नॉर्मल ग्लोमुलर्स है, इसमें मिनिमल चेंजेस देखने को मिले हैं पिक्चर में। यहाँ पर देखिए ये जो है पोडोसाइट वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल ग्लोमुलर कैपिलरी है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल दिख रहा है ब्लड के अंदर, इसमें मिनिमल चेंजेज हुआ है, प्रोटीन मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया है यूरिन में क्योंकि एबनॉर्मलिटीज हो गया है ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर देखिए दिखा रहा है पोडोसाइट फूड प्रोसेस कैसे एक जैसा हो गया है। इसमें ट्रीटमेंट में हम प्रिडनिसोलोन कहते हैं देते हैं, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है, 20 से 24 वीक तक ये दिया जाता है, ठीक है। 80 to 85% एडल्ट में ये कंप्लीट रिमिशन हो जाता है, बट लॉन्गर जब इसका हम लॉन्गर यूज करते हैं तब। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग में हम कौन कौन सा लेते हैं जिसमें स्टेरॉयड रेजिस्टेंस हो, उसमें हम ये सब ड्रग ले सकते हैं, साइक्लोफोस्फामाइड, क्लोरामबुसिल, माइकोफिनोलेट, मोफितिल, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्राइमरी स्टेरॉयड रिस्पॉन्डर क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ख़त्म हो जाता है एक बार स्टेरॉयड लेने के बाद, प्रिडनिसोन लेने के बाद। स्टेरॉयड डिपेंडेंट मतलब कि एक बार हम स्टेरॉयड लेना बंद कर देते हैं तो ये फिर से आ जाता है। फ्रीक्वेंट रिलैप्सर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार रिलैप्स होता है 6 मंथ में अगर हम स्टेरॉयड को टैपर करने लगते हैं तो, घटाने लगते हैं तो। स्टेरॉयड रेजिस्टेंस में कि ये स्टेरॉयड थेरेपी का रिस्पॉन्स ही नहीं करता है अगर, तो इसमें हम रीनल बायोप्सी करते हैं।